Hey everyone, welcome back to my channel. So guys, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंस्टेंट स्किन ब्राइटनिंग सॉल्यूशन। तो गाइज, आज की जो इंस्टेंट स्किन ब्राइटनिंग रेमेडी है वो उन सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों को डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, जिनका स्किन टोन जो है वो अनइवन है, जिनके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, या जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डलनेस है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं। इंस्टेंट स्किन ब्राइटनिंग रेमेडी से आपको सिर्फ 5 मिनट में मिलेगी बिल्कुल ब्राइटन स्किन, बिल्कुल ग्लोइंग स्किन। आपके चेहरे पे जो भी डलनेस है वो चली जाएगी। अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है और आपके पास बिल्कुल भी फेशियल करने का टाइम नहीं है, और तब आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं और आपको इंस्टेंटली ब्राइट स्किन मिलेगी। गाइज, अगर आप इस रेमेडी को डेली 2 वीक्स तक ट्राई करेंगे 5 मिनट के लिए, तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपका एक्ने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, आपका जो डार्क सर्कल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो गाइज, इस इंस्टेंट स्किन ब्राइटनिंग रेमेडी के लिए आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है और वो इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। येस गाइज, आपको इस रेमेडी के लिए चाहिए होगा कॉफ़ी पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। गाइज, जो कॉफ़ी है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में, आपकी स्किन को ब्राइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मोर ओवर, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो वो इनको बहुत ही जल्दी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अगर आपके फेस पे जो है वो स्वेलिंग है, अगर आपके फेस पे रेडनेस है, अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं, तो उन सबको रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसीलिए हम इस रेमेडी में यूज़ कर रहे हैं कॉफ़ी पाउडर। एंड गाइज, जो कॉफ़ी है वो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है स्किन केयर रूटीन में, और इस रेमेडी के लिए आपको बनानी है कॉफ़ी की आइस क्यूब्स। गाइज, जो आइस क्यूब्स हैं वो आपने बहुत तरह की सुनी होंगी, पोटैटो, क्यूकम्बर, टोमेटो, हर तरीके की आइस क्यूब बनाई जा सकती है स्किन के लिए, एलोवेरा आइस क्यूब्स, लेकिन उसमें से जो मेरी फेवरेट है वो है कॉफ़ी आइस क्यूब। और गाइज, ये सबसे अच्छा वर्क करती है, बहुत इफेक्टिवली आपकी स्किन पर ये काम करती है और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो गाइज, कॉफ़ी आइस क्यूब्स बनाने के लिए आपको लेना है एक पैन में वाटर। पानी की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको आइस क्यूब्स बनाना है उतना आप पानी का क्वांटिटी रखें। उसमें आपको ऐड करने हैं 2 बड़े चम्मच कॉफ़ी पाउडर के। मैंने आपको बताया आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको 2 बड़े चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। अगर आपका पानी का क्वांटिटी कम है या फिर आप कम आइस क्यूब्स बना रहे हैं, तो आप उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गैस, आपको इस पानी को 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसको गर्म करना है। 2 से 3 मिनट के बाद गैस आपको फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करना है, पानी को ठंडा करना है। पानी जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद आपको इसको आइस ट्रे में भर के इसको सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देना है। 2 से 3 घंटे के बाद आपकी आइस क्यूब जो हैं वो सेट हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने भी आइस क्यूब्स बनाई थी और ये सेट हो चुकी हैं। इसके बाद आपको एक आइस क्यूब लेना है और अपने चेहरे पे इसको रब करना है हल्के हल्के हाथों से। 2 से 3 मिनट तक आपको इसको अपने चेहरे पे रब करना है। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपना फेस जो है वो वॉश कर लेना है। एंड गाइस, रिज़ल्ट आपको इंस्टेंटली मिलेगा। आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेगी, आप जो है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटन लगेगी, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगेगी, और आपको ये रेमेडी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। ट्रस्ट मी, इसको ज़रूर ट्राई करें। तो गाइज, ये था आज का इंस्टेंट स्किन ब्राइटनिंग सॉल्यूशन, और इसको सब लोग ट्राई कर सकते हैं। बॉयज़, गर्ल्स, मेल, फीमेल, सब इसको ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।